मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने होशंगाबाद सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। शिवराज ने रेस्क्यू कर रहे सेना के जवानों का धन्यवाद किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित होशंगाबाद सहित कई क्षेत्रों का हवाई दौरा कर नुकसान का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने यहां के हालातों का जायजा लिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में यह 1999 के बाद पहला मौका है जब इतने लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के 40 जिलों को भारी बारिश ने प्रभावित किया है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए समीक्षा बैठक भी बुलाई थी और उन्होंने प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा था। शिवराज ने सेना के जवानों और एनडीआरएफ की टीमों की सराहना की और उनको धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, रेस्क्यू टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है। उन्होंने कहा, अब पानी कम हो रहा है लेकिन अब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि अब बहुत सारी बीमारियां बढ़ेंगी जिससे सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने बाढ़ में हुए नुकसान के आंकलन की भी बात कही। उन्होंने कहा कि संपत्ति के नुकसान में समय लगेगा लेकिन भरपाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बाढ़ की जानकारी गृह मंत्री को दे दी है। उन्होंने कहा कि इस आपदा में युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। मित्रों, वर्षा अब थम गई है और बाढ़ के पानी ने धीरे धीरे उतरना शुरू किया है, लेकिन अभी भी होशंगाबाद में खतरे के निशान के लगभग 8 फीट ऊपर नर्मदा जी का पानी बह रहा है। कई गांव अभी भी जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह पहुंच चुका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, उसके कारण गांधी सागर बांध के गेट भी खोले हुए हैं और चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया है। यद्यपि खतरे के निशान से अभी काफ़ी नीचे हैं, अब बाढ़ तो थम गई है। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए गाँव से कई लोगों को बचाया है। विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए थे। मैंने कल उनके ग्रुप कैप्टन सेरावत जी को, कमांडिंग ऑफिसर थे रेस्क्यू के, उनको हवा से ही धन्यवाद दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करके। और बाकी पायलट जिन्होंने रिस्क लेकर भी लोगों को बचाया, एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, एसडीआरएफ की टीम ने जो हमारे प्रदेश की है होमगार्ड्स के साथ जी जान लगा के काम किया। उसके साथ मुझे इस बात का संतोष है कि संकट की आपदा की इस घड़ी में सभी ऑफिसर्स वल्लभ भवन से लेके और नीचे कलेक्टर हों, कमिश्नर हों, आईजी हों, एसपी हो, सब ने बेहतर काम किया। इसके कारण हम जान बचा सके और रात भर में भी फ़ोन पर जो घिरे हुए गांव थे उन लोगों से मैं लगातार बात करता रहा कि हिम्मत रखें और रात में भी लोगों को रेस्क्यू करने के काम में हम लोग कई जगह सफल रहे। लेकिन उससे बड़ी चुनौती अब है, जान तो बच गई, गांव से पानी उतर रहा है, सबसे बड़ी ज़रूरत है अब राहत की, क्योंकि अब जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ कीचड़, सामान सड़ गया है, फसलें खराब हुई हैं और इसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, मैंने कल भी बैठक की, आज भी मैं बैठक करके जा रहा हूं, एक तो बीमारियां डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया,
विशेषकर डायरिया, शुद्ध पीने के पानी का अभाव, हैंडपम्प डूब गए, वाटर सप्लाई स्कीम्स सारी ठप हो गई, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं तो खराब हो गए, बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ी चिंता है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, भोजन का इंतजाम ठीक से हो जाए। फिर कई मकान अभी डूबे हुए हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो डैमेजेज काफ़ी हुआ है। अभी तो फौरन नुकसान का आकलन किया जा सकता है, लेकिन नुकसान बड़ा है तो उनकी क्षति का आकलन और सफाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था के लिए नगरीय विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को हमने लगाया है कि जैसे जैसे पानी उतरता जाए युद्ध स्तर पर हम लोग सफाई करने की व्यवस्था करें। आवश्यक दवाइयाँ पानी में जो डाल के शुद्ध करने की होती पीने के लिए उसका इंतजाम, और जहाँ जहाँ नल जल स्कीम है उनको कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर वगैरह जैसे निकलेंगे सावधानी से शुरू करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों से बचने के लिए पूरे इलाके में जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी है व्यापक अभियान चलाएगा। संपत्ति के नुकसान के आकलन में समय लगेगा। आज मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बातचीत की और उनसे उनको नुकसान की जानकारी दी, एक फौरी आकलन करके हम लोग अभी भेजेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।